सो हेलो एवरीवन तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फेब्रवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पहला हमारा न्यूज है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसको कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक बॉडी है उसको रिलीज करती है इसमें इंडिया को रैंक किया गया है नाइन्टी आउट ऑफ टोटल वन कंट्रीज इसमें फर्स्ट नंबर पर रहा है डेनमार्क सेकेंड नंबर पर फिनलैंड एंड थर्ड नंबर पर न्यूजीलैंड एंड लास्ट में रहा है अफ्रीका का

और ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप था सिमिलरली एक और हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप आई एन एस संधायक को विच इज द फर्स्ट सर्वे वेसल इन दैटेगरी ऑफ लार्ज शिप हैज बीन कमिशन इन टू द इंडियन नेवी इसको बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने एंड इट इज गोइंग टू बी दर्स्ट इन सीरीज ऑफ फोर सर्वे वेसल्स शिप्स बींग कंस्ट्रक्टेड एट

35 गोल्ड मेडल्स द नेक्स्ट न्यूज इज दैट इंडियन बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने जीता है इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवे टाइटल जो कि अमेरिका में ऑर्गेनाइज होता है और उन्होंने अमेरिका के गिराडो एसक्यूवेल को हरा के ये टाइटल अपने नाम किया और नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द क्रिकेट दैट एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बने हैं जय शाह नए बोलना सही नहीं रहेगा बिकॉज लगातार तीसरी बार ये बने हैं प्रेसिडेंट जो कि करंट में बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं और हमारे मोटा भाई के बेटे भी हैं आर नेक्स्ट न्यूज़ इज जिसके साथ आप सभी फेमिलियर होंगे एंड दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स क्यों बिकॉज़ पेटीएम आरबीआई के द्वारा जो दिए गए डायरेक्शंस थे उनको फॉलो नहीं कर रहा था यानी दैट इज नॉन कंप्लायंस इश्यूज की वजह से Paytm को यह भुगतना पड़ा आरबीआई की अगर बात करें

ह्यूमन डीएनए बैंक सेटअप किया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में टॉकिंग अबाउट डीएनए डीएनए सेल के न्यूक्लियस में पाया जाना वो मटेरियल है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल इनकोड होता है और ये जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ जीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल फॉर्म में होता है और इस स्ट्रक्चर की खोज करी थी वॉटसन एंड क्रिक ने बट इसके मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करी थी फ्रेडरिक मिशर ने इन दर एटीन सिक्सटी और नेक्स्ट न्यूज इज दैट संजय वर्मा बने हैं यूपीएससी के नए मेंबर और इनको ओथ दिलाई है यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी सर ने यूपीएससी की अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय है यानी नि इसका इन द पार्ट नंबर है नए पांच वेटलैंड को राम साइट में इंक्लूड किया गया है टॉकिंग अबाउट राम तो ये एक कन्वेंशन हुआ था राम नाम की एक सिटी है इन द ईरान 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था सेकंड फेब्रवरी को इसीलिए हम सेकंड फेब को वेटलैंड्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं तो ये पांच नई हमारी कौन सी है तमिलनाडु से लॉन्ग वुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट एंड बर्ड सेंचुरी कर्नाटका से तीन अंका हमारी अगली न्यूज है स्पोर्ट्स सेक्शन से जहां पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हॉकी फाइव एस का पहला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया ओमान की कैपिटल सिटी मस्कट में टॉकिंग अबाउट हॉकी फाइव तो ये हॉकी का एक शॉर्ट फॉर्मेट है जैसे कि

प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड देशन स्टोन फॉर दी तलबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन दी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इसके साथ साथ ही उन्होंने आईआईएम संबलपुर का एक परमानेंट कैंपस भी इनग्रेट किया दर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडिया हु ऑन द गोल्ड मेडल इन दू थाउजेंड बीजिंग ओलंपिक्स हैज बीन सेलेक्टेड एज दॉ बियर फॉर दी ट्वेंटी फोर पैरिस ओलंपिक्स जो की पैरिस फ्रांस में खेले जाएंगे कमेंट में आपको बताना है कि नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स दैट इज 2028 ओलंपिक गेम्स कहां पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे नेक्स्ट न्यूज इज दैट इंडियन एयरफोर्स ने एक मेगा एक्सरसाइज कंडक्ट करी राजस्थान के पोखरन रेंज जैसलमेर में जिसका नाम है वायु शक्ति ट्वेंटी इट इज दी फोर्थ एडिशन ऑफ दिस वायु शक्ति एक्सरसाइज और नेक्स्ट न्यूज इज दैट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने दो पोर्टल्स लॉन्च किए हैं ट्रैक चाइल्ड पोर्टल एंड घर पोर्टल घर स्टैंड होम एंड री यूनाइट पोर्टल इसका मेन उद्देश्य जो बच्चे गुम हो गए हैं द चिल्ड्रेन आर लॉस्ट उनको ट्रैक करना एंड अगेन उनको री यूनाइट करना विद फैमिलीज नेक्स्ट करंट अफेयर इज दैट फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है टू एक्सेप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन शॉर्ट ऑल्सो नोन एज यूपीआई पिछले मंथ में हमने देखा था कि फ्रांस पहला कंट्री बना है टू इशू द डिजिटल शैंगन वीजा ड ऑफ पैरिस ओलम्पिक्स एंड फ्रांस के पहले गे प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल के बारे में पढ़ा था नेक्स्ट न्यूज एंड इज डेड अपोलो विच इज अ काइंड ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड बटरफ्लाई बीन फॉर दर्स्ट टाइम साइटेड एंड फोटोग्राफ इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की चंबा में इसको देखा गया है टोटल अब एटीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो चुकी है द लेटेस्ट एडिशन इज ती परियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन द दार्गर हिल्स इन द इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इसका लोकेशन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में है नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द डिफेंस सेक्शन जहां पे यूएसए ने अपने एम जो आर्म्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल्स दैट इज यू दैट इज ड्रोन्स हैं उनकी थर्टी यूनिट्स इंडिया को देने के लिए अप्रूवल दे दिया है विच विल कॉस्ट रफली 3.99 पॉइंट नाइन नाइन बिलियन डॉलर फॉर इंडिया

On the lines of scheme, लाडली बहना योजना, जहां पे रुपीस पर थाउजेंड रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे सभी विमेंस जिनकी मिनिमम एज ट्वेंटी वन हो चुकी है ना मूविंग ऑन टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज डी आर डी ओ दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेजन एंड ऑर्गनाइजेशन एस्टैब्लिश इन दर फिफ्टी नाइन एंड समीर वी काम चेयरमैन तो इसके एरोनोटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट इन शॉर्ट हीट और या फिर उसको हम अभ्यास के नाम से भी जानते हैं इसको टेस्ट किया है फ्रॉम दी चांदीपुर कोस्ट ऑफ उड़ीसा फ्रॉम दी अब्दुल कलाम आइलैंड नाउ व्हाट इज दिस अभ्यास या फिर हीट तो इसका मेन पर्पस है मिसाइल टेस्टिंग को और बेटर बनाना मिसाइल टेस्टिंग के लिए एक तरह से टारगेट के तौर पर यह एक्ट करेगा नेक्स्ट न्यूज इज दैट

इसको सुपर अर्थ करके भी नाम दिया गया है बिकॉज इट इज कंसिडर दैट इट कैन बी अ पोटेंशियली हैबिटेबल प्लेनेट यानी कि यहाँ पे रहने जैसी कंडीशन हो सकती है इट इज रफली वन थर्टी सेवन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आर प्लेनेट अर्थ ये एक एक्जो प्लैनेट इसलिए है बिकॉज ये हमारे सोलर सिस्टम में लोकेटेड नहीं है दूसरे सोलर सिस्टम में है बिकॉज हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है इसकी जो डिस्टेंस है वो वन थर्टी सेवन लाइट ईयर है किलोमीटर लाइट ईयर इज अट टू मेजर द डिस्टेंस नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम बिहार जहाँ की कैपिटल सिटी पटना में एक 120 ट्वेंटी फीट मॉन्यूमेंट नेम्ड बापू टावर इनाग्रेट किया गया है एंड इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी फादर ऑफ आर नेशन जहाँ पे उनकी लाइफ से इंपॉर्टेंट चीजें संजोई गई हैं। इट इज प्लेटेड आर्किटेक्चर। पिछले मंथ के हमने में देखा था टू जीरो भीमराव अंबेडकर विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रप्रदेश नेक्स्ट न्यूज इज दैट मोदी दैट इज डॉक्टर बीना मोदी नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विदैंडिंग बिजनेस

And he is the son of Allah Rakha. He was awarded with the Padma Vibhushan award of 2023, which is the second highest civilian award of our country. And this year's Grammy award was his fifth Grammy award. And by winning this award, he has become the Indian to win most number of Grammys, along with Pandit Ravi Shankar and Zubin Mehta. Pandit Ravi Shankar also won the five Grammys, and Zubin Mehta also won the five Grammys. And Pandit Ravi Shankar was the first Indian to win the Grammy award for India for his album.

इंस्क्रिप्शन यानी कि जो शिला लेखों के अध्ययन को हम एपीग्राफी बोलते हैं जैसे कि हमने पढ़ते हैं हिस्ट्री में अशोक के इंस्क्रिप्शन तो कमेंट में आपको ये बताना है कि अशोक के इंस्क्रिप्शन को किसने डिसाइफर किया था किसने पता लगाया था उनके शिला लेखों का एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च अ न्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम नेम्ड विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम द एम ऑफ दिस विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू दि नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स who belong from marginalized section and want to pursue the higher education this scholarship program is

इसके वहाँ के चीफ मिनिस्टर पेमा ने किया अबाउट अरुणाचल प्रदेश स्टेट ऑफ आर कंट्री है आपको का नंबर बताना है अरुणाचल प्रदेश का मूविंग ऑन टूवर्ड न्यूज एंड इज डेली गवर्नमेंट ने अपने

Out of total 139 countries. Talking about World Bank, its headquarters is located in Washington DC. Now moving on towards the next news and that is South Asian Football Federation organized women's under 19 championship in Bangladesh, where India and Bangladesh.

मंथ में हमने पढ़ा था कि ओला ने लॉन्च किया था इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस स्टार्टअप नेम्ड कृत्रिम विच आल्सो बिकेम द इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्टार्टअप यूनिकॉन स्टार्टअप होते हैं जिनका वैल्यूएशन एक बिलियन डॉलर का हो जाता है प्रोमोशन ऑफ स्टेट एट द्वार्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गनाइज हुआ यू ए की कैपिटल सिटी दुबई में वहां पर तुर्की है नॉट टर्की बिकॉज अब टर्की का नया नाम तुर्की हो चुका है तो तुर्की इंडिया एंड कतर है और इसका थीम रहा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का शेपिंग फ्यूचर नेक्स्ट न्यूज इज दैट मोहम्मद फारूक नाजकी वेटरन ब्रॉडकास्टर एंड साहित्य अकेदमी अवार्ड विच इज दाइस्ट लिटरे अवार्ड ऑफ अंट्री आफ्टर ज्ञान पीठ अवार्ड वोविंग ऑन टूवर्ड दूस एन दैट इज फिजी विच इज अंड कंट्री लोकेटेड इन दी पैसिफिक ओशन यहाँ के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बेमन प्रसाद ने विजिट किया राम मंदिर in Ayodhya and became the first foreign leader to visit the Ram Mandir. Our next news is that NPCI that is National Payment Corporation of India has appointed Ajay Kumar Chaudhary as the independent director and non-executive chairman of the board for a three-year term. Now moving on towards the next news and that is WHO has awarded NIMHANS which stands for National Institute of Mental Health and Neurosciences based on Bengaluru the Nelson Mandela Award

इवेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला क्वेना मफाका को फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड मोस्ट रन व स्कोर्ड बाई उदय सहारन फ्रॉम इंडिया एंड मोस्ट विकेट्स वेकन बाई क्वेना मफाका फ्रॉम साउथ अफ्रीका मूविंग ऑन टुवर्ड्स ध्रुपड़ आचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलांग हैज पास अवे एट द एज ऑफ नाइंटी थ्री रिसेंटली हमने देखा था कि टोटल वन वन जीरो दैट इज एक लोगों को इंडिया का फोर्थ हाइस्ट सेवलन अवार्ड पद्मश्री अनाउंस किया गया था और उनमें से एक हमारे ध्रुपड़ आचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट भट्टेलांग भी थे मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज इज टूअर्स छत्तीसगढ़ जहां पे कंट्री का बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्लांट विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है रजनंद गांव डिस्ट्रिक्ट में जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट्स की नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम दी तेलंगाना यहाँ से दो इंपॉर्टेंट न्यूज है एक तो यहाँ के हुक्का पार्लर्स को बैन कर दिया गया पूरी

उनकी करेंट रैंकिंग है नाइंटी एट मूविंग ऑन टुअर्ड नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज पद्मश्री अवार्डी रिनो लिटरेचर उषा किरण खान हैज शी अ मैथली राइटर और नेक्स्ट न्यूज इज दैट अर्जुन मुंडा जो कि अभी हमारे करंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने दो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं एक तो सारथी दूसरा कृषि रक्षक पोर्टल सारथी प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी इंश्योरेंस स्कीम्स है प्रोडक्ट है जो की फार्मर्स के लिए है उनको एक तरह से सिंक्रनाइज करेगा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड जो कृषि रक्षक पोर्टल है इट एम्स टू एनहैंस द्रीवेंस हिड्रेसल मैकेजम कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है दिक्कत होती है तो इस पोर्टल के थ्रू वो अपनी ग्रीवेंस

एक बिल क्लियर किया है नेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 जहां पे जम्मू कश्मीर की फोर कम्युनिटीज को एस टी स्टेटस मिला दैट इज शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला है दीज आर पहाड़ी एथनिक ग्रुप पडारी ट्राइब कोली एंड गड्डा ट्राइब। पिछले हम लोगों ने देखा था हिमाचल प्रदेश की हट्टी को गवर्नमेंट ने मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिसेस को बैन करने के लिए असम हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल 2024 को पास किया है ये इस तरह की को कुछ लोग मिसलीडिंग तौर पर यूज कर रहे थे इसलिए इसको बैन किया गया है एंड अगेन आर नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम असम दैट इज यहाँ पे काजी नेमू को यहाँ का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया गया है असम का विच इज काइंड ऑफ अ सिट्रस लेमन आपने सुना होगा खट्टी टॉफी वैसे ही होता है खट्टा नेक्स्ट न्यूज इज दैट सिंधु गणपति हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांस ट्रांसवेमेन ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ सदर्न रेलवे शी इज करेंटली नाउ पोस्टेड इन द डिंडीगुल कमेंट आपको बताना डिंडीगुल किस स्टेट में है और नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम पंजाब जहाँ के गवर्नमेंट ने अनाउंस की एक नई स्कीम घर घर मुफ्त राशन योजना यानी कि जिसके तहत लाभार्थियों को उनके घर में ही राशन राशन मिलेगा फ्री डिलीवरी की नेक्स्ट न्यूज इज दैट इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को मिला है के पीपी नामबियर अवार्ड पिछले मंथ में हमने देखा था हमारे एस सोमनाथ जी को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था और नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम केन्या जहां के मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई

निकोट ज़रीन को मिला है सिल्वर मेडल शी लॉस्ट टू सबीना बोबोकुलोवा ऑफ उज़्बेकिस्तान इन द फाइनल्स अ नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट हमारे पीएम मोदी जी ने एक नई स्कीम अनाउंस की है एंड दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसके तहत वन करोड़ हाउसहोल्ड्स को मंथली बेसिस पे 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी अ नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट संगीत नाटक अकादमी ने अपना पहला रीजनल सेंटर इन द इंडिया खोला है इन हैदराबाद ने लॉन्च किया है एक नया पोर्टलटेड पर अकाउंट रजिस्ट्री जिसके थ्रू स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स को स्टोर किया जाएगा इस पर्टिकुलर पोर्टल में जिनको वो फर्दर यूज कर सकते हैं फिर वो क्रेडिट स्कोर उनको फर्दर हेल्प करेगा आगे की पढ़ाई में एंड इट इज कॉन्सेपचुलाइज अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी विच इज दर्ड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ कंट्री मूविंग ऑन टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज दत्ताजी राव कृष्ण राव गायकवाड़

एक्ट बिकॉज इसमें वोटर को यह नहीं पता चल रहा है कि पोलिटिकल पार्टी ने किससे फंडिंग ली और कितनी फंडिंग ली और नेक्स्ट न्यूज इज दैट एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट ने सस्पेंड कर दिया हैमर थ्रोअर रचना कुमारी को फॉर द्वेल्व इस ड्यू टू डोपिंग नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम यू जहाँ पे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है यू के फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल को इन इट्स कैपिटल अबुधाबी नेम्ड बैप्स मंदिर इट इज बिल्ट बाई स्वामी नारायण संस्था एंड इट इज बिल्ट फ्रॉम पिंक सैंड स्टोन फ्रॉम राजस्थान एंड मार्बल फ्रॉम इटली एंड इट हैज सेवन शिखर एंड बिट इज बिल्ट ऑन दी नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज दॉर्दन

गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है ,00 ,00, 18 35. स्वतंत्र युवा उद्यमी वही हरियाणा ने लॉन्च कर दी उसकी नई स्कीम है नेम्ड वन मित्र स्कीम जिसका मेन टारगेट है ए फॉरस्टेशन एक्टिविटीज को प्रमोट करना जहाँ पे इंडिविजुअल 18 एंड 60 कैन वॉल्टर मित्र प्लांट अप टू थाउजेंड सैपलिंग एंड रिसीव इंसेंटिव बेस्ड ऑन दिस प्लांटिंग चले भी चलते हैं साउथ इंडिया में और यहाँ पे तमिलनाडु जो है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली ने हेज पास रेजोल्यूशन अपोजिंग वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी एंड 2026 का जो एक्सरसाइज होने वाला है उसको भी अपोज करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया है टॉकिंग अबाउट दिस डिलिमिटेशन इसको हम हिंदी में परिसीमन बोलते हैं इसको एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है एंड हर स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्युए में बांटा जाता है सो एज टू मेंटेन द पैरिटी और इक्वालिटी वाइल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिलेचर इसको 2026 तक के लिए भी फ्रीज कर दिया गया था और कुल कैप्टन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है फॉर हिटिंग दी मोस्ट नंबर ऑफ सिक्स बाई एनी इंडियन कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट He has hit 212 sixes just in 121 innings. ने लिया था इनिंग्स वहीं दूसरी तरफ रविचंद्रन बिकम द सेकंड इंडियन बोलर आफ्टर अनिल कुंबले टू टेक फाइव हंड्रेड विकेट इन टेस्ट क्रिकेट एंड बिकम नाइन्थ इंटरनेशनल क्रिकेटर टू डू सो हमारी नेक्स्ट न्यूज है फुटबॉल से गुड वन दैट इंडिया हैज ड्रॉप्ड फिफ्टीन प्लेसेस

मालदीव इंक्लनेशन टूवर्ड्स नेवल बेस इंडिया करेगा अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में और एयर बेस करेगा कावा रिटी में जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है नेवल बेस जो मीक्वाय में स्टैब्लिश किया जाएगा उसका नाम रहेगा आई एन एस जटायू टॉकिंग अबाउट लक्षद्वीप तो ये इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है विद हाइएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूनियन टेरिटरीज विद लिटरेसी रेट ऑफ नाइनटी वन पॉइंट एट फाइव परसेंट एंड दी नाइन डिग्री चैनल सेपरेट सी मिनिकॉय From the Lakshadweep group of islands, whereas 8 8 degree degree channel, which is nothing but 8 degree latitude, separates entire group of Lakshadweep islands from Maldives. मालदीव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की कैपिटल है माले एंड इट इज एन आईलैंड कंट्री लोकेटेडेड इन द इंडन ओशियनिक रीजन और वेरी क्लोज टू लक्षदीप ग्रुप ऑफ आईलैंड एंड इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइो बेकार है भैया मैं तो टूट गया टूट गया मैं तो अब...

एंड राजस्थानी में एंड पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जी शंकर कुरूप जी को ना मूविंग ऑन टुवर्स दी नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज आचार्य विद्यासागर महाराज जो कि एक जैन सेंट थे

थर्टी फोर रन जहां पर यशस्वी जायसवाल ने मेन रोल प्ले किया विद डबल डबल सेंचुरी यानी विधल टी बैडमिंटन सेक्शन जहां पे हमारे इंडियन विमेंस टीम ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत दिलाया इंडिया को बाई बीटिंग थाईलैंड इन शाह आलम मलेशिया और इसमें विनिंग शॉट मारा अनमोल खर्ब ने तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि अनमोल खर्ब इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स तो आंसर वुड बी बैडमिंटन और इसमें मेंस जो टाइटल था बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का वो चाइना ने जीता और नेक्स्ट न्यूज इज दैट यू तीरथ सिंह जो कि खासी हिल्स के एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उनका एक स्टैच्यू अनवील किया गया है इन द इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर इन ढाका बांग्लादेश बिकॉज जो उनकी डेथ हुई थी वो ढाका में ही हुई थी जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल है टॉकिंग अबाउट खासी हिल्स तो इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिंसुलर प्लेट्यू का जो मेघालय जिसको हम करबी एंगलोंग प्लेटिव के नाम से भी जानते हैं या फिर शिलोंग भी बोलते हैं तो उसी में हमारी इंपॉर्टेंट तीन हिल्स हैं गारो खासी एंड जयंतिया तो उसी में खासी है जहां पे मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग भी लोकेटेड है और यहीं पे मौसेन राम और चेरापूंजी जैसी जगह है जहां पे इंडिया रिकॉर्ड्स इट्स हाईएस्ट रेनफॉल टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से तो खासी हिल्स में आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है नेम्ड नोंग

समर ओलंपिक्स 2028 ट्वेंटी एट कहाँ पे होंगे बिकॉज 2024 वाले तो पेरिस फ्रांस में होंगे नो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी टेनिस सेक्शन नाउ जहाँ पे कतर ओपन में मेंस टाइटल जीता है कैरेन Khachonov ने जो कि रशिया के टेनिस प्लेयर हैं और इसको कतर एक्सॉन मोबिल ओपन के नाम से जाना जाता है जो मेंस का टाइटल होता है जो वेमेंस का है उसको कतर टोटल एनर्जीज ओपन करके जाना जाता है और इसको जीता है ईगा स्वेतक जो कि पोलैंड के प्लेयर हैं इन्होंने एलिना रायबकीना जो कि कजाकिस्तान के प्लेयर है उनको हरा के ये टाइटल अपने नाम किया है सिमिलरली दुबई ओपन की अगर हम बात करें तो इसमें मेन्स टाइटल जीता है डैनियल मेडिवडेव ने जो जोकि रशियन प्लेयर है एंड वेमेंस टाइटल जीता है जैसमिन पोलोनी ने जो की इटालियन प्लेयर है जहां से हमारे जैनिक सिनर भी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था कॉमेन को बताना है विमेन्स टाइटल किसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में लेट नॉलेटेस्ट मूव बाफ्टा टूवर्ड्सा नाउ जिसको हम ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड के नाम से भी जानते हैं तो सेवेंटी सेवेंथ बाफ्टा अवार्ड की लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला किलियन मर्फी को फॉर दी ओपन हाइबर फिल्म जो कि हमने देखा था गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी इनको ये अवार्ड मिला था लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एमा स्टोन को फॉर पुअर थिंग्स

फेस्टिवल अवार्ड जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान को फॉर द फिल्म जवान बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को फॉर हर फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नोवे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला अगेन जवान फिल्म को एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला संदीप रेड्डी वंगा को फॉर द फिल्म एनिमल एंड फेल मूवी को बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और अगर हम क्रिटिक्स कैटेगरी की ही बात करें तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला विकी कौशल को फॉर इज रोल इन दी सैम बहादुर मूवी एंड बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला करीना कपूर को फॉर हर रोल इन दी जाने जान वेर एज बेस्ट लिस्ट का अवार्ड मिला जावेद अख्तर को फॉर निकले थे कभी हम घर से नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज पी मोदी हैज इनग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट

जम्मू एंड कश्मीर और नेक्स्ट न्यूज इज दैट शशि थरूर रिसीव्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है शेवलियर डी ला लीजन।

इंडिया एंड यूएसए इसको इनिशियलीवन में बट आफ्टर दर ट्वेंटी कोई परमानेंट फ्रॉम द स्पोर्ट सेक्शन जहाँ पे एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान में कंडक्ट पे इंडिया ने टोटल चार मेडल्स जीते तीन गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल हरमिलान बेंस ने विमेन्स फिफ्टीन हंड्रेड मीटर इवेंट में

कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आती हैं, जिसको कि हम टॉयलेट जोन के नाम से भी बोलते हैं इसीलिए इन कंट्रीज को सूर्यपुत्र भी नाम दिया गया है इसका कॉन्सेप्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया अफ्रीका समिट के दौरान रखा था एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इंडिया में ही गुरुग्राम हरियाणा में मूविंग ऑन टूर्स दैट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश जहां पे उत्तर प्रदेश का पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व स्टैब्लिश किया गया है इन द गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अलॉन्ग दी सरयू और दरयू रिवर दिस सरयू रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दाघरा रिवर विच इन टर्न इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर यानी कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है घाघरा रिवर उसी से इसका जन्म होता है सरयू नदी का जिसके तट पे हमारे भगवान राम की नगरी अयोध्या सिचुएटेड है और नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द डिफेंस सेक्शन जहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सामर्थ और अभिनव ने पार्टिसिपेट किया दोस्ती एक्सरसाइज के सिक्सटीन एडिशन में जो कि इंडिया मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में होने वाली ट्राई लेटर एक्सरसाइज है जो कि बाय इनेली कंडक्ट होती है यानी दो साल में एक बार कंडक्ट की जाती है और ये कंडक्ट हुई मालदीव की कैपिटल माले में इस एक्सरसाइज में इस बार बांग्लादेश ने एज एन ऑब्जर्वर कंट्री पार्टिसिपेट किया नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द स्पेस सेक्टर दैट इज यूएस के स्पेस क्राफ्ट ने सक्सेसफुल लैंडिंग की है मून में एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट आफ्टर 50 ईयर्स टू लैंड ऑन द मून मूविंग ऑन द नेक्स्ट न्यूज़ एंड दैट इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश जहां पे बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है फॉर स्टूडेंट्स बिटवीन द ग्रेड्स 1 एंड 12 जहाँ पे एक दिन बिना बैक क्यों आना होगा एंड वहां पे वो प्लेफुल एक्टिविटीज कर सकते हैं कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक तरह से हम बोल सकते हैं दैट इज काइंड ऑफ रेस्ट डे फॉर देम हमारी अगली न्यूज भी एमपी से है जहां पे फिफ्टी खजुराहो डांस फेस्टिवल के दौरान वन आर्टिस्ट ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट कथक डांस परफॉर्मेंस कथक अगर बात करें ये मध्य प्रदेश का नहीं उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है हमारे आठ शास्त्रीय नृत्यों में से एक हमारा कथक जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और टॉकिंग अबाउट खजुराहो खजुराहो आर अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स लोकेटेड इन दी मध्य प्रदेश का जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लोकेटेड है इसको चंदेल डेनेस्टी ने बनवाया था ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स और इनमें से एक फेमस टेम्पल है नेम्ड कंदरिया महादेव टेम्पल पिछले मंथ हम लोगों ने देखा था एम की ही न्यूज एंड दैट वॉज की रफली थर्टीन प्लस तबला आर्टिस्ट ने वंदे मातरम की ट्यून निकाल के इन दी ग्वालियर फोर्ट एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था एंड इसीलिए ट्वेंटी दिसंबर को एमपी गवर्नमेंट ने तबला डे के तौर पे डिक्लेयर किया था हमारी अगली न्यूज है फ्रॉम दी सेक्शन एंड दैट इज कि पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम हैज सरपास्ड विराट कोहली एंड क्रिस गेल टू बिकम क्विकेस्ट बैटर टू स्कोर 10,000 रन्स इन टी मूविंग ऑन टूवर्ड पंगोंग सोलेक जो की एक सॉल्ट वाटर लेक है एंड इज इस हाइएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन दर्ल्ड लोकेटेड इन बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना यहाँ पे एक हाफ मैराथन कंडक्ट करी गई रफली 21 वन किलोमीटर की एक हाफ मैराथन थी जिसको कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया फॉर बीइंग बींग दर्ल्ड हाइएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन नेट यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव दी एफ डी आई पॉलिसी अमेन्डमेंट एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट

saturation under the jal jeevan mission jisketah government government's target hai to supply 55 liters of water per person per day it was launched in the year 2019 and it comes under the jal shakti ministry hai which was the first state in india to achieve this 100% saturation in Har Ghar Jal scheme now moving on towards the next news and that is philippines has become the 38th country in the world and the first asian country जिसने आई के कन्वेंशन नंबर वन को रेटिफाई किया है आई एल ओ दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका कन्वेंशन नंबर no. 190 बात करता है टू एंड दर्क प्लेस वायलेंस एंड हैरेसमेंट टॉकिंग अबाउट फिलिपींस इट्स की कैपिटल है मनीला और ए डी बी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी यहीं हेडक्वार्टर यही लोकेटेड है इन दी मंडलियॉन्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है टॉकिंग अबाउट दिस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन शॉर्ट नो ए सीवीसी इट इज अ गवर्नमेंटल बॉडी क्रिएटेड इन सिक्स टू एड्रेस दी गवर्नमेंटल करप्शन यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो करप्शन है उसको एड्रेस करने के लिए इसको गया. And, 2003 में एक लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है. जैसे की सीवीसी टू में एक लॉ के तहत क्रिएट किया गया दैट इज वाई इन टू इट बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी इसको सांता नाम कमिटी के रिकमेंडेशन में क्रिएट किया गया था हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन जो सेम सांता नाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज डी आर डी ओ दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू टेस्ट दुर्गा टू वट इज दिस दुर्गा दुर्गा स्टैंड फॉर डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे एरे ये एक तरह का लेजर वेपन है विच मीन्स दैट लेजर जेट्स विल बी यूज एज अ वेपन And it has capacity to neutralize the drone attacks, deflect the ballistic missiles, and destroy fighter jets at the speed of light. Talking about DRDO, it is an organization formed in the year 1958 with its executive being Samir V. Kamath. It comes under the Ministry of Defense. Our next news is that PM Narendra Modi has inaugurated the statue of Sant Ravidas. इन संत रविदास पार्क लोकेटेड इन दी वाराणसी ये एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू है और बात करें संत रविदास की तो ही वॉज अ भक्ति सेंट ऑन नमोविंग टूअर्स नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज फ्रॉम दी सी के नाइडू ट्रॉफी जहाँ पे आंध्र प्रदेश के क्रिकेटर वंशी कृष्णा ने रेलवेज के ऑफ स्पिनर बोलर दमनदीप सिंह के एक ओवर में छह छक्के मार के रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है एंड ही द लीग ऑफ युवराज सिंह रवि शास्त्री एंड ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह से हमारी सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से एसोसिएटेड उसी तरह हमारी कुछ और भी ट्रॉफीज हैं जैसे रणजी ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी जो की क्रिकेट से एसोसिएटेड है कॉमन में आपको बताना है संतोष ट्रॉफी किस किसपोर्ट से एसोसिएटेड है मूविंग ऑन टुवर्ड दी नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज पीएम मोदी हैज इनग्रेटेड इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज यानी जो केबल में टिका हुआ है

और अंजी खार जो कि चेनाब रिवर पे है इन दी जम्मू एंड कश्मीर वो इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ जो की एक संस्था है जो की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट रिलीज करती है अपनी ऑन दी बेसिस ऑफ मेजर्स टेकन बाई कंट्रीज टू कम्बाट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो इस ग्रे लिस्ट से यूएई, बारबाडोस, बार्बाडोस और युगांडा बाहर निकल चुके हैं और इसमें एंटर कर चुके हैं केन्या एंड नामीबिया। टॉकिंग अबाउट ब्लैक लिस्ट यानी वो कंट्रीज जो एफ की एकदम टॉप वॉच लिस्ट में होती हैं। तो इसमें तीन कंट्रीज हैं करेंटली डी आर सी दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ईरान एंड म्यांमार एफ ये रैंकिंग्स हर चार महीने में अपडेट करता है एफ ए टी एफ की अगर बात करें तो इट वॉज्लिश इन द ईयर नाइनटीन एटी नाइन जब हमारा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना था एंड इसका हेड क्वार्टर्स लोकेटेड है पैरिस फ्रांस में जहां के हमारे इस बार के ओलंपिक गेम्स भी होने वाले हैं अलॉन्ग विद एफ ए टी एफ एज ऑल्सो इलेक्टेड इट्स न्यू प्रेसिडेंट स करेंगी सिंगापुर के टी राजा जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया समर टू को इन दसाइज वायु शक्ति कंडक्टेड इन दी पोखरन रेंज जैसलमेर राजस्थान अगर हम समर की बात करें तो इट स्टैंड सर्फेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलियशन समर वन और टू में डिफरेंस इनकी स्पीड और इनकी रेंज में है समर वन की स्पीड है मैक टू से लेके 2.5 और समर टू की स्पीड है मैक 4.5 रफली वेर मैक नंबर इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड और अगर ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो समर वन की ऑपरेशनल रेंज है रफली 12 किलोमीटर्स वेर एज समर टू की है रफली ट्वेंटी किलोमीटर्स और समर टू में

मूविंग ऑन स्पोर्ट्स सेक्शन एंड दैट इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया दो फेजेस में पहला फेज कंडक्ट किया गया ले लद्दाख में और सेकंड इन दी गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर जिसमें की इंडियन आर्मी एमर्ज विक्टोरियस और इसका मैस्कॉट था विच ओज अ काइंड ऑफ स्नो लेपर्ड विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख नो है यू शुड नो अबाउट दी करेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है बी डी मिश्रा एंड जम्मू एंड कश्मीर के हैं मनोज

एंड टू नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज यूएसए एंड कनाडा यूक्रेन ने भी अप्लाई किया है टू बिकम जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है बिकॉज रशिया डजन वॉन्ट यूक्रेन टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो इज दैट वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक को इंस्टॉल किया गया एमपी की सिटी उज्जैन में और ये वैदिक क्लॉक एशियंट पंचांग के बेसिस पे वर्क करेगी और नेक्स्ट न्यूज इज दैट पीएम मोदी ने गगनयान मिशन जो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है उसमें जो चार एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं स्पेस में उनके नाम अनवील कर दिए हैं, वो नाम है सुभाषु शुक्ला प्रशांत बी नायर अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन ये चारों लोग इंडियन एयरफोर्स एसोसिएटेड हैं जो कि इंडिया के पहले क्रूड या फिर ह्यूमन स्पेस मिशन में स्पेस जाने वाले हैं ये इंडिया का पहला स्पेस मिशन 2024 के लास्ट या फिर अर्ली 2025 में शेड्यूल्ड है और अगर इंडिया इसको सक्सेसफुली कर लेता है तो इंडिया विल बिकम फोर्थ कंट्री टू डू सो आफ्टर यूएसए रशिया एंड चाइना तो लेट्स होप फॉर बेस्ट आफ्टर दफ्टर सक्सेस ऑफ चंद्रयान थ्री मिशन एंड सोलर फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया दैट इज आदित्य एलवन मिशन और इसमें जिस लॉन्च व्हीकल का यूज किया जाएगा दैट विल बी एल वी M3 rocket that is launch vehicle mark 3 rocket जिसको पहले जीएसएल दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री के नाम से जाना जाता था और नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द क्रिकेट जहां पे नामीबिया के प्लेयर है जीन निकोल लॉफ्टी ईटन बन गए हैं फास्टेस्ट सेंचुरी हिट करने वाले इन दी टी ट्वेंटी फॉर ऑफ क्रिकेट ये फीट उन्होंने अचीव किया नेपाल के अगेंस्ट जहां पर उन्होंने थर्टी बॉल्स लेकर सेंचुरी अचीव करी मूविंग ऑन टुअर्ड द नेक्स्ट न्यूज इन दैट इज पी मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया सेकेंड पोर्ट जिसका नाम है कुल पट्टनम पोर्ट जो कि एक कोस्टल विलेज है इन दी तमिलनाडु टूटू कु डिस्ट्रिक्ट दी ओनली स्पेस पोर्ट इंडिया करेंटली हैज इज विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर

ट्रीटी साइन हुई थी जिसके थ्रू इंडिया और पाकिस्तान किस तरह से इसके वाटर को कंट्रोल करेंगे या फिर यूज करेंगे उसके बारे में ट्रीटी थी साइन इन 1960 इन कराची जिसकी मेडिएटर या फिर मध्यस्थता करी थी वर्ल्ड बैंक ने जिसमें इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के सेकेंड प्रेसिडेंट आयूब खान ने इस ट्रीटी पर साइन किए थे जिसके तहत इंडस झेलम एंड चिनाब एट्टी परसेंट वाटर पाकिस्तान यूज करेगा एंड 20 परसेंट इंडिया रावी ब्यास सतलज का 80 परसेंट वॉटर का यूज इंडिया करेगा एंड 20 पाकिस्तान बिकॉज ये सारी रिवर्स जो हैं, इंडस और ट्रिब्यूटरीज दैट इज झेलम चिनाब ब्यास एंड सतलज ये सभी इंडिया से होकर फ्लो करती है तो चाहे इंडिया तो इन सबको पूरी तरह से बंद कर सकता है लेकिन ये जो हमने रावी का जो वाटर फ्लो को रेगुलेट किया है फिर कंट्रोल किया है टू पाकिस्तान हमने लीगली किया है एक्चुअली 1979 में पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया

जो की ट्रांसफर होता है फिर ट्रांसमिट होता है बाई दी मस्किटो सिमिलरली हमारा मलेरिया भी ट्रांसमिट होता है बाई फीमेल एनोफिलीज मस्किटो बट वो एक प्रोटोजोआ पैथोजन की वजह से होने वाली बीमारी है

होते हैं यहाँ पे खत्म एंड क्योंकि ये इस फॉर्मेट में हम लोगों का पहला uh, मंथ था जहां पे हम लोगों ने इस तरह से करेंट अफेयर्स किए हैं तो आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड फ्रॉम दी नेक्स्ट मंथ वी विल ट्राई की आप लोगों को सेक्शन वाइज करेंट अफेयर्स मिले जैसे कि स्पोर्ट्स के एक साथ अवार्ड एक साथ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज सब एक साथ सेक्शन वाइज रहे बाकी जो भी आपका और फीडबैक होगा उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी जाएगी एंड इस मंथ की जो मंथली मैगजीन है वो आपको जल्दी परमार अकेडमी एप्लीकेशन के करेंट अफेयर सेक्शन में कोर्सेस में आपको देखने को मिलेगी उसके रिगार्डिंग आपको परमार एस एस सी टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी बता दिया जाएगा जब भी वो आपकी मैगजीन लॉन्च होगी थैंक यू